Good afternoon, students. Today I am going to teach you lesson 9 for BCA final year. Lesson 9. Its title is Democratic. D-E-M-O-C-R-A-T-I-C, Democratic Decentralization. D-E-C-E-N-T-R-A-L-I-S-A-T-I-O-N. Here is discussions. यहाँ बताया गया है कि since times immemorial, India has been committed to democratic decentralization self-governing village communities यहां पर बताया जा रहा है लेसन 9 में कि डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक डिसेंट्रलाइजेशन उसका व्यवस्थित कैसे होते जा रहा है उसके बारे में बताया गया है कि न्यू नोट्स ऑफ डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मींस डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स टू द लोएस्ट लेवल्स यहां पे बताया गया है कि किस तरह से जो है प्रजातांत्रिक का जो है क्या होते जा रहा है डिवोल्यूशन हो रहा है ऑफ पावर का to the level of in India panchayat have existed since times immemorial though during the individual times much of the importance was lost after 73rd and 74 constitutional amendments panchayat have been revived in India now people's participation in democracy is at the grassroots levels aaj jo hai democratic democracy means hota kya hai prajatantra hota hai यहाँ पे लोगों के द्वारा लोगों के हित के लिए कार्य किया जाता है यही बताया जा रहा है कि 1977 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द अशोक मेहता कमेटी 1977 की बात है सरकार के द्वारा जो है इंडिया में क्या कौन सा कमेटी स्थापित किया गया अशोक मेहता कमेटी स्थापित किया गया टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द होल कंट्री किसकी देख रेख के लिए ये कम्युनिटी डेवलपमेंट भारत के विकास में जो भी प्रोग्राम हो रहा है उसका सही देख रेख हो इसके लिए जो है 1977 में गवर्नमेंट इंडिया अपॉइंटेड गवर्नमेंट भारत सरकार द्वारा अशोक मेहता कंपनी को स्थापित किया गया ये जो ये देखने काम करता था द कमिटीज रिपोर्ट सजेस्टेड मेजर टू स्ट्रेंथन द पंचायत राज और जो पंचायती राज के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा था उसके बारे में वर्णन किया गया उसमें उसके बारे में देख रेख किया गया सो दैट द डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कुड बिकम इफेक्टिव ताकि जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है जो विकास है वो अच्छे तरीके से हो सके और हमारी स्टेट जो है अन्य स्टेटों की अपेक्षा अच्छे से प्रोग्रेस कर सके दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स विच बाइंडेड द बेस ऑफ इंडियन पॉलिसी और बिफोर द अमेंडमेंट्स इंडिया डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वॉज डिस्चार्ज द पार्लियामेंट एंड द स्टेट असेंबलीज ये इसकी जो पंचायत की जो क्रियाकलाप है वो अच्छे तरीके से संचालित हो जिसका निष्पादन जो है पार्लियामेंट से भी हो रहा है होता रहा ताकि वहाँ पर जो भी प्रकाशित होता है वहाँ पर भी जो भी प्रोग्राम जो है क्रियान्वित होते हैं वो कार्य जो है पूरी स्टेट और राज्य और देश तक पहुँच सके तभी हम जो है पूरी तरह से डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का विकास हो पाएगा अदरवाइज ये संभव नहीं हो सकता वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ कमर्शियल अमेंडमेंट्स द एक्सपीरियंस एंड व्हाट इज देन पंचायत राज इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग और रैली में पंचायती राज के माध्यम से ही आज जो है बहुत सारे कार्य जो है निष्पादित हो रहा है और हम ये कहने में कोई अफसोस नहीं होगा कि डेमोक्रेटी पूरी तरह से प्रजातंत्र जो है पूरी तरह से आज ग्रामीण स्तर पर ही आधारित है जब तक ग्रामीण स्तर में उन्नति नहीं होगा तब तक स्टेट में नहीं होगा और स्टेट में नहीं होगा तो कंट्री में नहीं पहुँचेगा इसलिए जो है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बहुत आवश्यक है थैंक यू हैव अ नाइस डे